मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी स्कूल नागपुरा से। बेटा, हमने सिक्स क्लास के अंदर तीन चैप्टर का रिवीजन किया था, अब आगे है हमारा चौथा और पांचवा, उसका रिवीजन करते हैं। तो पार्ट चार है आपका जीवन गीत। जीवन गीत की कविता है, और इसमें कविता में क्या बताया गया है कि जीवन एक सच्चाई है और इसके अंदर वर्तमान का भी महत्व है, ना तो भूतकाल का और ना ही भविष्य का, क्योंकि भूतकाल है वो चला गया है और जो भविष्य काल है वो आने वाला है, लेकिन उसकी नींव हमें क्या करनी है, वर्तमान में ही रखनी है। इसलिए हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे प्रश्न उत्तर करते हैं। मौखिक प्रश्न में इस कविता में एक कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य किसे कहा गया है? जीवन को। इस कविता में एक कठोर सत्य जीवन को कहा गया है। दूसरा प्रश्न, जीवन की इस दुर्जय लड़ाई को कौन जीत सकता है? टिकाऊ योद्धा, यानी जो इस लड़ाई में रुक सकता है वो इसको जीत सकता है। कवित्री कौन सी जाल में न फंसने की सलाह दे रही है? कवित्री है वो कौन से जाल में नहीं फंसने की सलाह दे रही है? तो भविष्य के सपनों के जाल में, तो हमें भविष्य के सपनों के जाल में नहीं उलझना है। सफलता के रथ पर किस प्रकार चढ़ा जा सकता है? साहस को प्रयास करके। सफलता के रथ पर हम कैसे चढ़ सकते हैं? साहस को प्रयास करने के बाद ही हम सफलता के रथ पर चढ़ सकते हैं। सही विकल्प के प्रश्न उत्तर, कौन सा काल हमारे हाथ से निकल चुका है? कौन सा काल निकल चुका है? भूतकाल। कौन से काल की नींव हम वर्तमान में रख सकते हैं? तो अब भूतकाल क्योंकि निकल चुका है, तो कौन से काल की नींव वर्तमान में रखेंगे हम? भविष्य की। तीसरा, जीत सकते हैं जीवन की दुर्जय लड़ाई केवल, जीवन की लड़ाई को कौन जीत सकते हैं? अभी हमने क्या पहले प्रश्न, टिकाऊ योद्धा। हम अपने जीवन को खरा सोना बना सकते हैं। हम अपने जीवन को खरा सोना कैसे बना सकते हैं? जोखिम उठा करके, हम कोई भी कठिनाई में काम करके अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। आगे है अति लघुतरीय प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न, इस कविता में जीवन को क्या माना गया है? कविता में जीवन को क्या माना गया है? तो जीवन, जीवन को कविता में एक सच्चाई माना गया है। जीवन क्या है? एक सच्चाई। दूसरा प्रश्न, जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो जीवन का लक्ष्य आने वाले कल को बलवान तथा स्वस्थ बनाना। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? आने वाला जो हमारा समय है उसको बलवान तथा स्वस्थ बनाना। आगे है, जीवन कैसी लड़ाई है? जीवन कठिनाई से जीती जाने वाली लड़ाई है। जीवन कैसी लड़ाई है? जीवन कठिनाई से जीती जाने वाली लड़ाई है। जीवन की लड़ाई को कौन जीत सकता है? इस जीवन की लड़ाई को कौन जीत सकता है? टिकाऊ योद्धा। उत्तर आएगा कि जीवन की लड़ाई को टिकाऊ योद्धा जीत सकता है। आगे है लघुप्रिय प्रश्न उत्तर में, लघुप्रिय में पहला प्रश्न है, कवित्री किसे सबसे कठोर सत्य कह रही है? कवित्री ने किसे सबसे कठोर कहा है? तो कवित्री जीवन को सबसे कठोर सत्य कह रही है। किसे कह रही है? जीवन को। कवित्री जीवन को क्या मानती है? कवित्री है वो जीवन को क्या मानती है? तो कवित्री जीवन को एक कठोर सत्य मानती है। क्या मानती है? एक कठोर सत्य। वर्तमान में मेहनत करके अपने आने वाले कल को बलवान तथा अच्छा बनाना।
चाहिए। तो यहाँ पर भविष्य के सपनों के ध्यान से तात्पर्य है कि हमें कभी भी ये नहीं अपने भविष्य के बारे में सपने नहीं देखने चाहिए, बल्कि हमें आज का जो वर्तमान हमारा चल रहा है उस वर्तमान में मेहनत करनी चाहिए और इतनी मेहनत करें कि हमारा आने वाला कल अपने आप में ही बलवान हो, स्वस्थ हो। दूसरा प्रश्न है, जीवन तो सचमुच है एक कठोर सत्य। जीवन तो सचमुच है एक कठोर सत्य, हर्ष तथा शोक नहीं इसका अर्थ। भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये जो पंक्ति रहती है कविता की, इसका भाव बताना है, क्या भाव है इसका? तो इसका भाव यह है कि जीवन तो एक सच्चाई है। जीवन क्या है? एक सच्चाई है। जीवन का अर्थ केवल खुशी या दुख नहीं है, कि जीवन का अर्थ केवल ये नहीं है कि उसमें खुशी और दुख है, बल्कि जीवन एक कठोर सत्य की तरह है। जीवन क्या है? एक कठोर सत्य है। अगला तीसरा प्रश्न है, इतिहास साक्षी है, मेरी किस साक्ष्य की बात कही गई है? उदाहरण सहित उत्तर दी गई है। इतिहास साक्षी है, मेरी किस साक्ष्य की बात कही गई है? हमें उदाहरण देकर बताना है। इतिहास साक्षी है, मेरी साक्ष्य इसकी बात कही गई है। इसका अर्थ है कि इतिहास इस बात का गवाह हमेशा रहा है कि साहस को प्रयास करके हम सफलता के रथ पर चल सकते हैं। कि इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, वो सफलता के रथ पर चढ़े हैं, अर्थात साहसपूर्ण कार्य करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कि हम कोई भी साहसपूर्ण काम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इतिहास हमेशा उन लोगों का गुणगान करता रहा है, उनके बारे में बता रहा है जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने साहसपूर्ण काम किए हैं। ये आपका थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर थर्ड का, आप करते हैं फिफ्थ चैप्टर है, पार्ट पांच आपका। पार्ट पांच है आपका खेलों का महत्व। तो इस पार्ट में क्या बताया गया है आपको? खेलों के महत्व के बारे में, कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तथा इसके साथ साथ में इसको आधुनिक शिक्षा में कब शामिल किया गया और जो विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं वो किस प्रकार से मेहनत करते हैं, वो किस प्रकार से खिलाड़ी बनते हैं। तो प्रश्न पर देखते हैं, इसके पहला प्रश्न, खेल शब्द का अर्थ है। खेल शब्द का क्या अर्थ है? खेल का अर्थ है हिलना डुलना अथवा गति करना। तो खेलने का अर्थ होता है हिलना डुलना अथवा गति करना। दूसरा, प्राचीन काल में गुरुजन शिष्यों को कौन सी शिक्षा दिया करते थे? प्राचीन काल में जो गुरु थे वो शिष्यों को कौन सी शिक्षा दिया करते थे? तो बौद्धिक तथा शारीरिक शिक्षा, दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। कौन कौन से हैं? बौद्धिक तथा शारीरिक शिक्षा। तो प्राचीन काल में गुरुजनों द्वारा बौद्धिक यानी बुद्धि से संबंधित और शारीरिक शिक्षा, दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तीसरा है, कालांतर में अधिक आयु के बच्चों को किस प्रकार की गतिविधियों की शिक्षा दी जाने लगी है? कि कालांतर में कौन सी शिक्षा दी जाने लगी है? तो कालांतर में अधिक आयु के बच्चों को बड़े बड़े खेलों की उपाधिक गतिविधियों की शिक्षा दी जाने लगी है। चौथा, अधिकांश युद्ध कहाँ जीते जाते हैं? अधिकांश युद्ध है जो कहाँ जीते जाते हैं? खेल के मैदानों में। अधिकांश युद्ध जीते जाते हैं खेल के मैदानों में। सही विकल्प के प्रश्न में खेल शब्द का अर्थ है, अभी पढ़ा था हमने, खेल शब्द का अर्थ क्या होता है? हिलना डुलना। बच्चों के खेलों को नाम दिया गया है, जो बच्चे जो खेल खेलते हैं उसको क्या नाम दिया गया है? खेलकूद। बच्चे जो खेल खेलते हैं उसको बोलते हैं खेलकूद। शारीरिक व्यायाम सर्वप्रथम पाठ्यक्रम का भाग बने। तो शारीरिक व्यायाम है जो पाठ्यक्रम यानी शुरू पाठ्यक्रम में उनको शामिल किया गया, कहाँ पर? यूनान में। फेंकी जाने वाली थाली की आकृति की वस्तु कहलाती है, जिसको थाली की आकृति की वस्तु उसको फेंकते हैं तो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं डिस्कस। क्या बोलते हैं? डिस्कस। आगे अति लघु के प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, लोग कब से खेलकूद का आनंद लेते चले आए हैं? यानी कि लोग जो है वो कब से खेलकूद कर रहे हैं? उत्तर आएगा, लोग आदि काल से खेलकूद का आनंद लेते चले आए हैं। खेलों के मुख्य वर्ग कितने हैं? खेलों के कितने प्रकार हैं? तो खेलों के मुख्य हैं दो प्रकार हैं, खेलों के मुख्य दो वर्ग होते हैं। तीसरा, किस सदी में खेलों को स्कूली पाठ्यक्रम का भाग बनाया गया? कि कौन सी सदी में जो खेलकूद है उनको स्कूली पाठ्यक्रम का भाग बनाया गया? तो 18वीं शताब्दी में। कब बनाया गया? 18वीं शताब्दी में। फुटबॉल में कौन सी गतिविधि मुख्य होती है? जो फुटबॉल खेलते हैं उसके अंदर कौन सी गतिविधि मुख्य होती है? किक लगाना। फुटबॉल में कौन सी गतिविधि मुख्य होती है? किक लगाना। आगे है आपकी लघुतरी प्रश्न उत्तर, खेल शब्द की उचित परिभाषा क्या है? खेल शब्द है उसकी उचित परिभाषा क्या है? नियमों के अधीन कोई भी शारीरिक तथा बौद्धिक प्रतियोगिता खेल कहलाती है। नियमों के अधीन खेल की उचित परिभाषा है कि नियमों के अधीन कोई भी शारीरिक तथा बौद्धिक प्रतियोगिता खेल कहलाती है। कि हम नियम में रहकर कोई भी शारीरिक क्रिया करते हैं या बौद्धिक क्रिया करते हैं वो खेल कहलाती है। बच्चों के लिए खेलकूद क्यों आवश्यक है? बच्चे हैं उनके लिए खेलकूद क्यों आवश्यक है? तो खेलकूद से जो शरीर है वो फुर्तीला बनता है तथा बल भी।
मस्तिष्क का उचित विकास होता है। तो खेल कूद का महत्व इसलिए है क्योंकि खेलने से शरीर है वो फुर्तीला बनता है तथा उसे बल मिलता है और बच्चे का शरीर का तथा मस्तिष्क का उचित विकास भी हो पाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यायाम के फलस्वरूप शिशुओं की कौन सी कुशलताओं में सुधार हुआ। व्यायाम के फलस्वरूप शिशुओं की कौन सी कुशलता में सुधार हुआ, तो व्यायाम के फलस्वरूप शिशुओं की गति पर यानी गति पर आधारित जो कुशलता है उसमें सुधार हुआ। कौन सी गतिविधियों में गति पर जो कुशलता है उसके अंदर उनका सुधार हुआ। अगला प्रश्न बेटा जो तीसरा था लघु क्रिया में हमने बीच में छोड़ा था, तो उसमें प्रश्न है कि यूनानी व्यायामशालाओं में व्यायाम के अतिरिक्त तो और कौन सी कलाएं सिखाई जाती थी। उत्तर है इसका, यूनानी व्यायामशालाओं में व्यायाम के अतिरिक्त थाली की आकृति की एक वस्तु को फेंकने का, इस वस्तु को डिस्कस करते हैं तथा भाला फेंकने की कला की शिक्षा दी जाती थी। तो कौन सी कलाएं सिखाई जाती थी, एक तो थाली की आकृति की वस्तु फेंकने का और दूसरा भाला फेंकने की कला की शिक्षा दी जाती थी। आगे है दीर्घ प्रश्न में पहला प्रश्न है, आधुनिक काल में स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालयों में लागू क्यों की गई। आधुनिक काल में जो स्वास्थ्य शिक्षा है विद्यालयों में क्यों लागू की गई, तो उसका उत्तर है, आधुनिक काल में स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालयों में लागू करने का उद्देश्य था कि बौद्धिक गतिविधि से हुई थकान तथा आलस्य को ताजगी में बदलकर छात्रों में नई स्फूर्ति यानी शक्ति जगाई जा सके। तो इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे पढ़ते पूरे दिन बौद्धिक जो गतिविधि करते हैं जो पढ़ाई करते हैं उसके कारण जो उनको थकान और आलस अनुभव होता है उसी थकान को उनकी स्फूर्ति में उनकी चुस्ती में बदल देना। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कुछ समूह चार गतिपरक गतिविधियों के नाम लिखिए। जो चार गतिपरक यानी जिनमें गति करते हैं वो गतिविधियां बतानी है, तो कुछ प्रमुख चार गतिपरक गतिविधियों के नाम है, जैसे हो गया दौड़ना, छलांग लगाना, छलांगों पर झूलना और नृत्य करना। तो ये चार गतिपरक यानी जिनके अंदर हम गति करते हैं वो गतिपरक गतिविधियां हो गई, जैसे दौड़ना, छलांग लगाना और भी जिसमें हम गति कर सकते हैं वो सभी इसके अंदर आएंगी। प्रश्न है, बड़े बड़े खेलों में शिक्षक का क्या महत्व है, विस्तारपूर्वक बताइए। जिस प्रकार से पढ़ाई में शिक्षक का महत्व है वैसे खेलों में शिक्षक का क्या महत्व है। उत्तर आएगा, बड़े बड़े खेलों में शिक्षक का बहुत महत्व है। शिक्षक के अधीन अभ्यास करने से खिलाड़ी का खेल चमकता है। शिक्षक के अधीन अगर काम करता है तो उसका खेल है वो चमकता है, उसके अंदर सुधार होता है और विश्व स्तर पर उसका नाम होता है। क्योंकि अगर वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा तो विश्व स्तर पर भी वो अच्छे से खेल सकेगा, क्योंकि शिक्षक खिलाड़ी की हर छोटी छोटी बात की शिक्षा देते हैं। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उसके हर छोटी बड़ी कमी होती है उसको बता देते हैं और जिससे उसके खेल में सुधार होता है। बेटा आपको ये दोनों चैप्टर नोटबुक में नोट करने और इनका रिविजन भी करना है। थैंक यू। वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ MLP स्कूल राजपुरा। आई प्रियंका मैम, टूडे सेशन टीच यू सब्जेक्ट GK, सो क्लास इज 6th, सो लेट्स स्टार्ट। आवर टॉपिक इज स्लीपिंग बीस्ट। स्लीपिंग का मतलब सोने वाले, बीस्ट का मतलब होता है एनिमल्स, क्रिएचर मीन्स प्राणी। ओके, जो ज़्यादा सोने वाले प्राणी हैं वो। नाउ सम एनिमल्स रिमेन इन एक्टिव फॉर मैनी वीक्स। कुछ जो प्राणी होते हैं वो कुछ हफ्तों तक बिल्कुल ही इनएक्टिव मतलब सुस्त रहते हैं। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स विद द बॉडी टेम्परेचर लोअर देन नॉर्मल। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर मीन्स ज़्यादा सर्दी होती है, नॉर्मल से भी लो चला जाता है, तब वो बिल्कुल ही इनएक्टिव रहते हैं। दे एंटर इनटू ए वेरी लॉन्ग स्लीप। जब वो एक लॉन्ग स्लीप मीन्स गहरी निद्रा में चले जाते हैं, आर सेड टू बी हाइबरनेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन मीन्स एक डीप स्लीप में चले जाना, मतलब उन्हें वो खाना तक नहीं खाते इस कंडीशन में समटाइम। मैनी एनिमल्स सच एज पोलर बियर एंड बैट्स, वेरियस रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स एंड लिजार्ड आर इवन रैंडम लाइक द स्क्वेल, स्क्वेल होती है गिलहरिया, हाइबरनेट। ये जो प्राणी होते हैं बैट, बियर, रिप्टाइल्स लाइक स्नेक्स एंड लिजार्ड, ये सभी क्या होते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं विंटर सीजन में। हेयर सम एनिमल्स आर गिवन ब्लो। फर्स्ट वन इज पोलर बियर। पोलर बियर लार्ज वाइट बियर्स दैट फाउंड इन आर्टिक सी, जो आर्टिक सागर है उसमें मिलते हैं आइस में, आर अमंग लार्जेस्ट कार्निवर्सिस ऑन लैंड। वो सबसे बड़े कार्निवर्सिस हैं धरती पर। दे आर गुड स्विमर एंड कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज बैट्स। बैट्स
आर्स क्रिएटिव एनिमल फीड एट नाइट ऑन ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड फूड। नाइट में वो फीड करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को। दे दैट इज ओनली मैमल्स ऑन द अर्थ कैपेबल ऑफ सस्टेन फ्लाइट। दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो संसार में हर जगह मिलते हैं एक्सेप्ट आर्टिक जोन, आर्टिक जोन को छोड़कर। अंटार्कटिका एंड अदर ओशंस आइलैंड्स ऑल्सो। मोस्ट इंटरेस्टिंग बैट्स आर टेम्परेचर जोन एंड स्पाइस दैट हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर सीजन। ओके, ये भी विंटर सीजन में हाइबरनेट हो जाते हैं। दैट इज द पिक्चर ऑफ बैट एंड पोलर बियर। एंड नेक्स्ट वन इज हैजहॉग। हैजहॉग जैसे कि हम साधारण भाषा में बोलते हैं झाऊ मूसा, उस तरह की टाइप का होता है। इसकी जो स्किन है उस पर जो वूल होती हैं वो कांटे की तरह होती हैं। इन विंटर द हैजहॉग गोज इनटू हाइबरनेशन टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द कोल्ड एंड रिड्यूस इट्स नीड फॉर फूड। ओके, और ये खाना भी बहुत कम खाता है उस टाइम में। इट्स हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग स्लो ग्रेटली, मीन्स इसकी जो हार्ट बीट होती है वो धीरे होती है। एन एनिमल इन द स्लीप लाइक नीड्स टू लिटिल एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड कैन सर्वाइव ऑन ए फैट स्टोर्ड इन इट्स बॉडी। जो अपनी बॉडी में फैट स्टोर होती है उसी पे सर्वाइव करता है। और ये जो अपनी ब्रीदिंग होती है उसको रोक सकते हैं अपने आप को अदर एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए जब ये खतरे में होते हैं, और अपने आप को रोल कर लेते हैं। ओके, नाउ आई टेल यू चैप्टर नंबर 7। हेयर सम एनिमल्स आर गिवन, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दैट एनिमल। फर्स्ट वन इज इट इज ए स्मॉल एनिमल, इट अटैक्स एंड किल स्नेक व्हेनेवर इट फाइंड। छोटा सा जानवर होता है और ये स्नेक को मीन सांप को भी मार सकता है। आंसर इज मंगूज। नेक्स्ट वन, इट इज एन ऑस्ट्रेलियन बियर लाइक एन एनिमल दैट लिव्स ऑन ट्री टॉप्स। और ये जो पेड़ होता है उसकी टॉप मीन्स शिखर पर रहता है और फीड करता है एक्लुपेट्स लीव्स एंड बर्ड्स। ये क्या होता है एक्लुपेट्स सफेदा। आंसर इज कोआला। नेक्स्ट इज इट इज नोन एज बारासिंगा फाउंड इन द तराई रीजन्स ऑफ इंडिया। इट्स मेंबर सॉरी इट नंबर हैज़ बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इज हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे ये प्राणी रहते हैं वो स्थान अब नष्ट कर दिए गए, इसके कारण इनकी संख्या कम होती जा रही है। ओके, आंसर इज स्वैम्प। नेक्स्ट वन इज वंस इट वाज वाइड स्प्रेड ऑन द एंटायर ग्रास रीजन ऑफ द नॉर्थ हिमालयाज। इट ग्रेजिज ऑन ग्रास हर्ब्स एंड लीचेंस एंड सर्वाइव इन विंटर मंथ्स बाय ईटिंग कोर्स ग्रास। इट क्विनीज इट्स थ्रस्ट विद स्नो एंड आइस। मीन्स अपनी प्यास किससे बुझाता है, आइस और स्नो से। और ये विंटर्स में क्या क्या ईट करते हैं, ग्रासेज हर्ब्स एंड लीचेंस, मीन्स एक तरह की काई होती है ये, उनको खाकर ये अपनी भूख मिटाते हैं। आंसर इज विल्ड योक, जंगली योक होता है। नेक्स्ट वन इज इट इज लार्ज कार्निवोरसी एनिमल फाउंड इन आर्टिक रीजन। इट हैज टू लॉन्ग टस्क एंड ए थिक हैवी नेक। टू टस्क होती हैं इसके और एक हैवी नेक होती है। आंसर इज वाल्डस। वाल्डस होता है दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट वन, इट इज ए स्मॉल एनिमल रिजेंबलिंग ए रैकन। इट इज फाउंड इन माउंटेन्स रीजन ऑफ नेपाल थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और ये कहाँ पे मिलता है, नेपाल की साइड में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। आंसर इज रेड पांडा। नेक्स्ट वन है, इट इज ए लार्ज रेप्टाइल। इट इज फाउंड इन आइलैंड ऑफ कम्बोडो इन इंडोनेशिया। आंसर इज ड्रैगन। ड्रैगन का मतलब होता है अजगर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज द स्मॉल रिलेटिव ऑफ राइनोसोर्स फाउंड इन द सेंट्रल अमेरिका एंड इंडोनेशिया। इट्स लेग
एंड टेल आर वेरी शॉर्ट, इट्स नोट इज लाइक ए थिक शॉर्ट ट्रंक. स्नोट होता है जो मुंह के आगे का हिस्सा होता है. ओके, आंसर इज टपीर. टपीर एक तरह से पिग की कैटेगरी में आता है, सुअर की में. ठीक है, सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एनिमल्स. नाउ आई टेल यू सम एंडेंजर्ड एनिमल्स. एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो विलुप्त होते जा रहे, जिनकी प्रजाति वो जानवर कौन कौन से हैं. हेयर सम एनिमल्स आर गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट पॉइंट इज अराउंड 22 लाख केजी वेट एंड अबाउट 31 मीटर लेंथ. द ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. दिस वेल इज ब्लू एंड ग्रे इन कलर विद लाइटर ग्रे स्पॉट्स. इट इज ए ह्यूज दैट इट्स हर्ट साइज इज ए बिग कार. ओके, ये एक ब्लू व्हेल नाम के प्राणी है, मीन्स फिश होती हैं, जो लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ में, और इसमें वजन भी बहुत ज़्यादा होता है. और इसके हार्ट का साइज कितना होता है, एक कार के जितना होता है. द फीमेल ब्लू व्हेल्स आर मच लार्जर देन द मेल्स. फीमेल ज़्यादा लॉन्ग होती हैं मेल से. ओके, और ये लाउडेस्ट एनिमल भी है अर्थ पे, और ये ओशंस में फाउंड होते हैं, मीन्स पाई जाती हैं. ओके, नॉर्थन हेमिस्फेयर में बहुत ज़्यादा मिलती है. तो एंडेंजर्ड एनिमल में हमारा फर्स्ट वन क्या है, ब्लू व्हेल. नेक्स्ट वन है स्नो लियोपार्ड आर फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. दे आर वेल अडेप्टेड टू लिविंग इन द कोल्ड एनवायरमेंट. दे आर लाइक टू अटैक द प्रे फ्रॉम द अबव एंड कैल की सॉरी किल एनिमल्स 3 times लार्जर देन इट्स साइज. और इतने इतने बड़े जानवर को भी मार सकते हैं जो इनसे 3 गुना बड़ा हो. दिस लियोपार्ड हावेवर कैन नॉट शो, मीन्स जो अभी के टाइम ये रोयर, मीन्स ये दहाड़ते कम हैं और अटैक ज़्यादा करते हैं. तो स्टूडेंट सेकंड जो एंडेंजर्ड एनिमल है वो है लियोपार्ड्स. नेक्स्ट वन है ब्लैक राइनोसोर्स. ओके, जो ब्लैक राइनोसोर्स है वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका. इट इज फ्रोकोशियस एनिमल्स एंड कैन चेंज एट ए स्पीड अप टू 30 miles per hour. ऑल्दो डिस्क्राइब एज ब्लैक, दिस राइनोसोर्स इज सॉरी एक्चुअली ग्रेस ब्राउन इन कलर. इट हैज़ 2 horns विच मेक इट हाईली हंटेड एनिमल्स अमंग पोचर्स. ठीक है, थर्ड वन हमारा कौन सा है, एंडेंजर्ड एनिमल ब्लैक राइनोसोर्स. नेक्स्ट वन है गोरिलाज एंड लास्ट वन है द जायंट पांडा. ओके, जो गोरिलाज होते हैं वो कहाँ होते हैं, अफ्रीका के फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं, और लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल एप्स, मीन्स एप की कैटेगरी में आते हैं. और सम दे आर पोर्टेड एज फ्रोबियस सॉरी फ्रोकियस एनिमल्स इन द स्टोरीज. ओके, तो ये हर्बीवोर्सिस होते हैं. नेक्स्ट वन है द जियान पांडा. जो जियान पांडा है वो एक तरह से बियर की तरह दिखता है, और ये मैमल्स होते हैं. मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं. एंड इन द बम्बूज फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं, सेंट्रल चाइना और तिब्बत में. इट इज ब्लैक एंड वाइट कोट अलोंग द ए बल्की बॉडी एंड राउंड फेस. इट्स लुक लवेबल. नेक्स्ट वन है जियंट आर्माडिलो. ये भी एक लार्जेस्ट आर्माडिलो होते हैं, जो वंस फाउंड इन ए लार्ज नंबर ऑफ थ्रू आउट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, बट नाउ इट कैन ओनली बी फाउंड ऑफ अर्जेंटाइना. ओके, एंड दे आर समटाइम्स ऑल्सो प्रे अपॉन स्मॉल मैमल्स सच एज माइस एंड रैट्स. और ये माइस और रैट को ईट कर जाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट दीज आर सम एंडेंजर्ड एनिमल that you have to learn.
Here the written assignment is given. First one is write three sleeping beast, means जो तीन आपको जो sleeping beast है वो write करने हैं, और five endangered animal आपको write करने हैं. And you have to revise both of the three chapters also. Okay. Thank you. Have a nice day. Hello student. Welcome you to online classes of MLP School Rajpura. Student, I Priyanka ma'am today tell you some topic of computer. Our topic is MS Excel. Student, like MS Word, MS Excel is an important part of MS Office. So you have to see the video properly and know the function of MS Excel. MS Excel एक spreadsheet program होता है जो generally recording record बनाने के लिए use होता है. Now I tell you the definition of MS Excel. MS Excel एक computer use create electronic spreadsheet, means ये computer based program है जो electronic spreadsheet को making के लिए या create करने के लिए use होता है. Okay, with Excel user can organize data, create chart and perform calculation. इसमें data को हम organize कर सकते हैं, chart भी बना सकते हैं उसी data का, उसमें calculation भी कर सकते हैं. Okay. Excel is a convenient program because it allow to user create spreadsheet and reference information, and it allow to better storage of information. और जो data होता है उसको better store करता है because इसमें बहुत सारी worksheets होती हैं. Next, Excel operates like other MS Office programs and has many of the same functions. और ये जो other जो फंक्शन होते हैं एमएस एक्सेस के वो भी इसमें हम कर सकते हैं. ओके, नाउ आई टेल यू व्हाट इज ए स्प्रेडशीट. स्टूडेंट, स्प्रेडशीट जो ग्रिड लाइन का कॉम्बिनेशन होता है, मीन जिसमें रो एंड कॉलम्स होते हैं जिसमें हम डेटा को एंटर करते हैं, दैट इज द स्प्रेडशीट. मीन्स जो हम जैसे ही एमएस वर्ड ओपन कर सॉरी एक्सेल ओपन करते हैं तो जो ग्रेड लाइन का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं. एमएस वर्ड में उसी पेज को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं और एमएस एक्सेल में उस पेज को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं. इसको हम वर्कशीट भी बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, स्टार्टिंग एक्सेल. हाउ मीन्स जो एक्सेल है उसमें जब हम उसकी विंडो को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या शो होता है. वेरियस टाइप ऑफ बार्स होते हैं, वर्किंग एरिया होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड में मैंने लास्ट वीडियो में आपको टीच किया था, लाइक दैट एमएस एक्सेल में भी सारे वही बार होते हैं, बट इसमें एक एक्स्ट्रा होता है फॉर्मूला बार, जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कैलकुलेशन के लिए. ओके, नाउ आई टेल यू वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एमएस एक्सेल. एमएस एक्सेल की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं, मीन्स कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं. टू मैनेज नेम लिस्ट ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, जो डाटा होता है उसका रिकॉर्ड तैयार करने के लिए. टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजीली इन डेली बिजनेस, बिजनेस में जो डेली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इसका यूज होता है. एंड क्रिएट फॉर्म्स एंड कंसोलिडेट रिजल्ट, और जो अदर रिजल्ट होते हैं उनको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. एंड एनालिटिकल टूल्स एंड कॉरपोरेट बजटिंग में भी इसका यूज होते हैं. सो स्टूडेंट, दैट आर द एप्लीकेशंस. नाउ आई टेल यू द स्प्रेडशीट पार्ट. जो हमारी वर्क जो एमएस वर्ड में स्प्रेडशीट होती है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, सेल होते हैं, रो एंड कॉलम, मीन्स ये किसके कॉम्बिनेशन से बनती हैं. जो एक सिंगल बॉक्स होता है हम उसको क्या बोलते हैं, सेल. सेल की डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल. एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो. सो स्टूडेंट, रो एंड कॉलम एमएस एक्सेल में इनकी लिमिटेड जो होती हैं संख्या होती हैं, जैसे कि रो होती है हमारी 10,48,000 के अराउंड, और जो अब जो नए नए वर्जन आते हैं उसमें रो एंड कॉलम चेंज होते जाते हैं. ओके,
अब जो प्रीवियस वर्जन था उसमें थी 256 कॉलम और रो थी 655536, बट अब जो न्यू वर्जन आया उसमें 256 कॉलम है और 10,48,576 रोज है। ओके, वर्कबुक जो होती हैं, जो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होती हैं, जो सिंगल पेज होते हैं उसको हम वर्कशीट बोलते हैं, बट कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। और वर्कशीट इज मेड मैनी रो एंड कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट, इसको हम स्प्रेडशीट भी बोल सकते हैं। रो एंड कॉलम मैंने बताया है वर्जन के अकॉर्डिंग, जैसे MS 7 में अलग है, 2016 में अलग है, 19 में अलग है, इनकी जो संख्या है वो चेंज होती रहती है। ऑन द वर्कशीट इंटरसेक्शन, वही अभी बताया था मैंने, जो रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन वो क्या होता है, सेल होता है। अब सेल में भी एक होता है एक्टिव सेल, जिसके ऊपर करंट हमारा कर्सर, मींस जो करंट जिस पे हमारा ब्लैक, जो एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स ब्लैक शो होता है, वो होता है एक्टिव सेल। नेम बॉक्स कॉल रेफरेंस एरिया डिस्प्ले द सेल रेफरेंस इन द एक्टिव सेल, मींस आपको कोई भी वर्ड टाइप करना है तो आप डायरेक्ट वो उसी में टाइप कर सकते हैं, अदर में नहीं कर सकते। जो एक्टिव सेल होता है उसी में हम एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर्मूला बार क्या होता है, वो डिस्प्ले करता है कि जो हमने कैलकुलेशन की है उसको, वो उसमें ऊपर शो होती रहती हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है, एक इक्वेशन होती है जो हमारी वैल्यू को कैलकुलेट करके शो करती है। नेक्स्ट वन इज ऑफिस बटन। ऑफिस बटन क्या होता है, जैसे कि MS वर्ड में मैंने आपको बताया था, वही फंक्शन MS एक्सेल में होते हैं। ऑफिस बटन के न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज। ओके, वन और टू डिफरेंट है इसमें, बट ऑलमोस्ट सेम है। तो न्यू आपको पता ही है, न्यू फाइल वर्कबुक ओपन करने के लिए, ओपन जो हमने ऑलरेडी सेव किया एस इसके लिए यूज होता है, प्रिंट प्रिंट के लिए, सेव रीनेम करने के, सेव एज रीनेम करने के लिए, लाइक दैट। ओके, सो दैट आर सेम फंक्शंस। व्यू ऑफ मेन्यू बार, अब हम यहाँ आपको जो MS Excel में मेन्यू बार होते हैं उनके बारे में बताएंगे, बट इससे पहले आई टेल यू कि जो मेन्यू बार होता है उसको हम रिबन्स भी बोल सकते हैं, ओके, और टैब्स भी बोल सकते हैं। अब होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रियू एंड व्यू, ये हमारे 7 जो मेन्यू बार है वो होते हैं इसमें MS Excel में। दिस मेन्यू बार परफॉर्म वेरियस फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स वर्किंग। ओके, जो मेन्यू बार है वो यूज क्या करते हैं, इसका जो हमें बेनिफिट क्या मिलते हैं, जो किसी भी कमांड को इजीली एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आई टेल यू अबाउट इंसर्ट मेन्यू बार, द इंसर्ट मेन्यू बार अलाउ यू टू ऐड न्यू वर्कशीट, रोज, कॉलम एंड एग्जिस्टिंग। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट चार्ट, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट इन टू योर वर्कशीट, मीन्स इंसर्ट जो मेन्यू बार है उसकी हेल्प से आप कोई भी सेल इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में, और वर्कशीट और ऐड कर सकते हैं, कोई भी चार्ट, पिक्चर्स, इस तरह के कोई भी फंक्शन है वो आप इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट का मीनिंग ये होता है कि कोई चीज़ न्यू आप उसने ऐड कर रहे हो। ओके, लाइक दैट अदर मेन्यू बार्स फंक्शन वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड नाउ आई टेल यू हाउ टू सेव ए वर्कबुक। ओके, हाउ टू सेव ए वर्कबुक, वी कैन यूज सेव कमांड टू सेव एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक यूजिंग इट्स करंट नेम एंड सेव लोकेशन। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड और एक्सेल में डॉट से इसमें वर्कबुक से सेव हो जाता है बुक के नाम से, बट हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो सेव एज कमांड का यूज करते हैं। एंट्रिंग डेटा इन ए सेल, हम जो सेल होता है उसके अंदर डेटा को कैसे एंटर कर सकते हैं, टैक्स नंबर और फॉर्मूला। टैक्स इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, टैक्स में हम क्या डालेंगे, कोई भी, जैसे कि हमारे पास अल्फाबेटिक में कोई भी अल्फाबेट उसके कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर उसमें ऐड करते हैं। नंबर्स में हम कोई भी वैल्यू, डेट एंड टाइम में ऐड करेंगे। फॉर्मूलाज में हम कोई भी इक्वेशन, इक्वेशन जो होती है वो हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होती है।
और आप ये सभी सिर्फ एक्टिव सेल में ही ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम का, तो इक्वल टू देन सम देन ब्रैकेट स्टार्ट देन यू कैन ऐड द वैल्यू इन दैट एक्टिव सेल। ओके, नाउ आई टेल यू हाउ टू सर्च एनी डाटा इन द टेबल और कोई रिकॉर्ड, मीन्स वर्कशीट में कोई भी रिकॉर्ड बना रखा है उसमें आप पर्टिकुलर डेटा को कैसे फाइंड आउट करोगे। द फाइंड कमांड लोकेट द डेटा इन ए वर्कशीट, फाइंड कमांड की हेल्प से हम उस डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो वर्कशीट होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू फाइंड ए पर्टिकुलर नेम, तो यू कैन सेलेक्ट द फाइंड कमांड एंड राइट दैट नेम, यू कैन रीच दैट। ओके, नाउ द रिप्लेस कमांड इज एक्सटेंशन ऑफ द फाइंड कमांड, मीन्स आप उस नेम की जगह कोई और नेम ऐड करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं। ओके, दैट इज द सर्चिंग प्रोसेस ऑफ एमएस एक्सेल। नाउ आई टेल यू सम कमांड्स फॉर फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड व्हाट मीन्स, फाइंड व्हाट का मतलब होता है टू डेटा टू लोकेट, मीन्स आप उस डेटा को मतलब कहाँ पे वो डेटा लोकेट है आप उसको वो उसकी पोजीशन फाइंड आउट करते हो। रिप्लेस विद द डेटा टू इंसर्ट इन रिप्लेस विद लोकेटेड डेटा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके साथ उसको रिप्लेस करना है। फॉर्मेट विद इन, ये आपके सर्च ऑप्शन होते हैं। मैच केस मीन्स आपको उसी फॉर्मेट में वाले डेटा को मैच करना है, मीन्स जैसे आपने वो लेटर कैपिटल में राइट कर रखा है तो आपको कैपिटल ही उसमें राइट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको मैच नहीं शो करेगा। ओके, मैच एंटायर सेल कंटेंट, और जो कंप्लीट सेल में जो डेटा है उससे ही मैच को इस तरह का फाइंड आउट करना हो आपको तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ आई टेल यू हाउ टू चेंज डाटा इन ए सेल, कोई भी जो सेल है उसमें ऑलरेडी जो डेटा राइट किया है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। यू कैन एडिट रिप्लेस और क्लियर डेटा, मीन्स या तो आप उस डाटा को एडिट कर सकते हैं, मीन्स जैसे कि बैक स्पेस की का यूज करके उसको इरेज करके दूसरा राइट कर सकते हैं, या फिर रिप्लेस कमांड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको सेलेक्ट करके उसको क्लियर डाटा कर सकते हैं। थ्री टाइप से आप उसको चेंज कर सकते हैं। एडिट जो डेटा होगा वो उसमें फॉर्मूला बार में ऊपर शो होता है। द मेन फंक्शन इन एमएस एक्सेल इज हाउ टू यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है कोई भी डेटा के ऊपर। टू रिप्लेस डाटा सेलेक्ट द सेल एंड टाइप द डेटा एंड द प्रेस एंटर बटन इन द फॉर्मूला बार और एंटर की। ओके, रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, देन उसमें डेटा टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देंगे या टैब की प्रेस कर देंगे। टू क्लियर द एक्टिव सेल यू कैन यूज़ द रिबन द कीबोर्ड द माउस। ठीक है, कोई भी एक्टिव सेल का जो डेटा है उसको डिलीट करने के लिए आप या तो कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं डिलीट कमांड का, या फिर माउस से क्लिक करके। ओके, नाउ आई गिव यू असाइनमेंट बेस्ड ऑन दैट वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एमएस एक्सेल, राइट इट एप्लीकेशंस, मींस आपको एमएस एक्सेल को डिफाइन करना क्या होता है। इट इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू मेकिंग रिकॉर्ड एंड मेकिंग चार्ट्स एंड अदर डाटाबेस रिकॉर्ड्स। ओके, एंड एप्लीकेशंस मैंने आपको कंप्लीट एक टॉपिक के थ्रू आपको इसकी सारी एप्लीकेशन टीच की थी, आपको वहां से इसकी एप्लीकेशन राइट करनी है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वर्कबुक एंड वर्कशीट। स्टूडेंट, वर्कबुक और वर्कशीट मेन पार्ट होते हैं एमएस एक्सेल में, आपको इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज वर्कशीट इज ए सिंगल पेज बट वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक एंड वर्किंग एरिया इज वर्कशीट। आपको टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम राइट करने हैं, तो रो में आप 1,48,576 और कॉलम में 256 राइट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।